हमारे खास मेहमान जो आने वाले थे आ चुके हैं। आज जो प्रस्तुति है वह सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से महमिल वेलफेयर सोसाइटी आयोजक हैं। हयात चैरिटेबल एंड वेलफेयर सोसाइटी की प्रस्तुति है मुंशी प्रेमचंद की ऐतिहासिक कहानी दिल की रानी। इसके निर्देशक रहमान खान साहब हैं जो लखनऊ के सबसे सीनियर डायरेक्टर हैं। आपने कई नाटकों का निर्देशन किया है, इसमें उमराव जान अदा, दिल की दुकान, अनार कली, बेदुबान भी। इसमें कई सीरियल और शॉर्ट फिल्में भी आपने बनाई हैं, जिसमें चंद नाम हैं, मिल के रहेंगे, कहो कैसी रही। आज की कहानी तैमूर वंश, खासतौर से तैमूर पर आधारित है, जबकि इसके बारे में तो कहा जाता है कि बहुत गालिम बादशाह था और क्रूरता के इतिहास में गए, लेकिन कहा जाता है कि हर क्रूर इंसान के दिल में सीने में भी एक दिल होता है और वो दिल कहीं ना कहीं मायल हो जाता है किसी न किसी। तैमूर का जन्म 8 अप्रैल 1936 में हुआ था शहर उज़्बेकिस्तान में, और 1393 में इसने भारत पर आक्रमण किया। बाकी तो इसके सारे कारनामे बहुत से लोगों ने इतिहास में पढ़े होंगे। लखनऊ के एक खास मिजाज भी रहा है कि आए हुए मेहमानों के वेलकम किया। तो पहले रहमान खान साहब से गुजारिश करेंगे। रहमान खान साहब, और ये हयात चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर प्रताप भट्टाचार्य साहब भी मौजूद हैं। हमारे आज के खास मेहमान हैं जयराज कुमार जी जो सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक भी हैं, और इरफानुल हुदा साहब जो एडीसी के पद पर कार्यरत हैं, और डॉक्टर सुधीर प्रताप भट्टाचार्य साहब, आपसे भी गुजारिश है कि आप जो लखनऊ का रिवाज है, मिजाज है, इसके मुताबिक मेहमान का वेलकम करना, आप तशरीफ लाएं और मेहमान को भी लेकर आए, ताकि पहले एक फॉर्मेलिटी कर दी जाए कि लखनऊ की खास पहचान है। पहले लखनऊ में गुल से अगर मतलब किया जाता था, अब क्योंकि गुल कुछ देर के बाद बेकार हो जाता है तो इसलिए पौधा दिया जा रहा है ताकि वो अपने घर में काफी दिनों तक देते रहे, जब तक इसकी सेवा करते रहे। हमारे देश आलोक पांडे जी जो रिटायर्ड पंजाब बैंक से थे, इलाहाबाद बैंक से थे, वो अभी किसी वजह से नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनको बाद में रस्म अदा की जाएगी उनके लिए। फिलहाल पर्दा उठता है और आप लोगों के लिए प्रस्तुत है दिल की रानी। दुनिया की गलियों में बह रहा है। जंग जंग जंग।
गलियों में बह रहा है। वही कुसुम दुनिया जो 100 साल पहले तुर्कों के आतंक से आहत हो रहा था, आज उनके गर्म रक्त से अपना कलेजा ठंडा कर रहा है। 57,000 तुर्क योद्धाओं की लाशें बास परस की लहरों पर तैर रही हैं, और तुर्क सेनापति अपने 1,00,000 सिपाहियों के साथ बादशाह तैमूर के सामने अपनी किस्मत का फैसला सुनने को खड़ा है। तैमूर ने विजय से भरी आंखें उठाई और सेनापति यजदानी की ओर शेर के समान कर जा। क्या चाहते हो? जिंदगी या मौत? इज्जत की जिंदगी मिले तो जिंदगी, वरना मौत। तैमूर का क्रोध प्रचंड हो उठा। उसने बड़े बड़े अभिमानियों का सर नीचे कर दिया है। क्या जवाब इस अवसर पर सुनने की उसे ताब न थी। इन 1,00,000 आदमियों की जान उसकी मुट्ठी में है। तैमूर उन्हें एक क्षण में मार सकता है। पर इतना भी मान, इज्जत की जिंदगी, इसका यही अर्थ है कि गरीबों का जीवन अमीरों के भोग मिलाकर बलिदान किया जाए। वही शराब की मजलिसें, वही अर्मीनिया और काफ की परियां, अय्याशियां नहीं। तैमूर ने खलीफा बायजीद का घमंड इसलिए नहीं तोड़ा कि तुर्कों को फिर मदान स्वाधीनता में इस्लाम का नाम डूबने के लिए छोड़ दिया जाए। उस वक्त उन्हें इतना रक्त बहाने की जरूरत थी। मानव रक्त का प्रवाह संगीत का प्रवाह नहीं, रक्त का प्रवाह नहीं, एक विपस्त दृश्य जिसे देखकर आंखें मुंह फेर लेती, हृदय सर झुका लेता है। तैमूर कोई हिंसक पशु नहीं है जो ये दृश्य देखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। जिसे तुम इज्जत की जिंदगी कहते हो वो गुनाह और जहन्नुम की जिंदगी है। यजदानी को तैमूर से किसी भी तरह की दया या क्षमा की आशा ना थी। उसकी और उसके सैनिकों की जान किसी भी तरह से बच ना सकती थी, तो फिर वो क्यों डरे और क्यों ना अपनी जान पर खेलकर तैमूर के प्रति उसके मन में जो घृणा है उसको प्रकट कर दे। उसने एक बार उस रूपवान युवक की ओर कातर नजरों से देखा जो उसके पीछे खड़ा मानो अपनी किस्मत की लगाम खींच रहा हो। सार पे चढ़े हुए स्पार्क के समान उसके अंग अंग से अतुल क्रोध की चिंगारियां निकल रही थी। यजदानी ने उसकी सूरत देखी और जैसे अपनी खींची हुई तलवार म्यान में कर ली और खून के घूंट पीकर बोला, जहां पना इस वक्त फतेहमंद है, लेकिन अपराध क्षमा हो तो कह दूं कि जीवन के विषय में तुर्कों को तातारियों से उपदेश लेने की जरूरत नहीं पड़ी। दुनिया से अलग तातार के ऊपर मैदानों में न त्याग और व्रत की उपासना की जा सकती है और न मैसर होने वाले पदार्थों का बहिष्कार किया जा सकता है। पर जहां खुदा ने नियमतों की वर्षा की हो वहां उन नियमतों को भोग न करना नाशुक्री। अगर तलवार ही सभ्यता की सनद होती तो गाल कौम रोमनों से कहीं ज्यादा सभ्य होती। तातर वाले पशु हैं क्यों? मैं ये नहीं कहता। तुम कहते हो खुदा ने तुम्हें ऐश करने के लिए पैदा किया। मैं कहता हूं वो कुफ्र, खुदा ने तुम्हें बंदगी के लिए पैदा किया है और उसके खिलाफ जो कोई कुछ करता है वो काफिर जहन्नमी है। रसूल पाक हमारी जिंदगी को पाक करने के लिए आए, हमें सच्चा इंसान बनाने के लिए आए, हमें हराम की तालीम देने के लिए नहीं। तैमूर इस दुनिया से कुफ्र को पाक कर देने का बीड़ा उठा चुका है। रसूल पाक के कदमों की कसम, न बेहन नहीं हूं, जालिम नहीं हूं, खूंखार नहीं हूं, लेकिन कुफ्र की सजा मेरे ईमान का कोई और कुछ भी नहीं। तातारी सिपाहियों ने भी अपनी अपनी तलवारें तान ली। सहसा वही रूपवान युवक जो यजदानी के पीछे खड़ा था
आगे बढ़कर तैमूर के सामने आया, जिसे मौत को अपनी बंधी हुई मुट्ठियों में मसलता हुआ बोला, मैं अपने आप को मुसलमान कहने वाले बादशाह, क्या यही वो इस्लाम है जिसकी तबलीग का तूने बीड़ा उठाया है? क्या इस्लाम की यही तालीम है कि तू इन बहादुरों का बेदर्दी से खून बहाए, जिन्होंने इसके सिवा कोई गुनाह नहीं किया कि अपने खलीफा और अपने मुल्क की हिमायत की? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक युवक जिसकी अभी बसे भी न बीगी थी, तैमूर जैसे तेजस्वी बादशाह के सामने इतने खुले हुए शब्दों में तिरस्कार करे और उसकी जबान तालू से ना खिंचवा ली जाए, सभी स्तंभित हो रहे थे और तैमूर सम्मोहित सा बैठा उसकी ओर ताक रहा था। युवक ने तातारी सिपाहियों की तरफ देखा, उनके चेहरों पर कुतूहल और प्रोत्साहन चल रहा था। तू इन मुसलमानों को काफिर कहता और समझता है कि तू इन्हें कत्ल कर खुदा और इस्लाम की खिदमत कर रहा है। मैं पूछता हूँ कि वे लोग जो खुदा के सिवा किसी और के सामने सिजदा नहीं करते, जो रसूल पाक को अपना रहबर समझते हैं, मुसलमान नहीं है तो कौन मुसलमान है? मैं कहता हूँ हम काफिर सही, लेकिन तेरे कैदी तो हैं। क्या इस्लाम जंजीर में बंधे हुए कैदियों के कत्ल की इजाजत देता है? खुदा ने तुझे ताकत दी है, इख्तियार दिया है, तो क्या इसलिए कि तू खुदा के बंदों का खून बहाए, क्या गुनहगारों को कत्ल करके उन्हें सीधे रास्ते पर ले आएगा? तूने कितनी बेरहमी से 70,000 तुर्कों को धोखा देकर सुरंग में उड़वा दिया, उनके मासूम और निरपराध बच्चों को अनाथ कर दिया। तुझे कुछ अनुमान है? क्या ये वही कारनामे है जिस पे तू अपने मुसलमान होने का गर्व करता है? क्या इसी खून कत्ल और जुल्म से तू दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा? तूने तुर्कों के खून बहते दरिया में अपने घोड़ों के खून नहीं बिगाए, बल्कि इस्लाम को जड़ से खोद के फेंक दिया है। एक दिन तुझे भी परवरदिगार के सामने अपने कर्मों का जवाब देना पड़ेगा और तेरा कोई उज्र ना सुना जाएगा। अगर तुझमें अब भी नेक और बद की तमीज बाकी हो तो अपने दिल से पूछ, ये जिहाद तूने खुदा की राह में किया या अपनी हवस के लिए? और तुझे जो जवाब मिलेगा तो तेरी गर्दन शर्म से झुक जाएगी। जावना, जावना ये गुलाम का लड़का है, इसके इसके दिमाग में कुछ फितूर है। जावना, इसकी इसकी गुस्ताखियों को माफ करे, मैं इसके साथ झगड़ने को तैयार हूँ। तैमूर उस युवक के चेहरे की तरफ स्थिर नेत्रों से देख रहा था। आज जीवन में पहली बार उसे ऐसे निर्भीक शब्दों को सुनने का अवसर मिला। उसके सामने बड़े बड़े सेनापतियों, मंत्रियों और बादशाहों की जुबान ना खुली थी। वो जो भी करता या कहता था वही कानून था। उसकी खुशामदों ने उसकी अहमियता को आसमान पर चढ़ा दिया था। उसे विश्वास हो गया था कि खुदा ने उसे इस्लाम को बचाने और सुधारने के लिए ही दुनिया में भेजा है। उसने पैगंबरी का दावा तो आज तक नहीं किया था, परंतु उसके मन में ये भावना अवश्य दृढ़ हो गई थी। तभी जब उस युवक ने अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी कीर्ति का पर्दा खोल दिया, तो उसकी चेतना जैसे जाग उठी। उसके मन में क्रोध और हिंसा के बजाय श्रद्धा का उदय हुआ। उसकी आंखों का एक इशारा उस युवक की जिंदगी का चिराग गुल कर सकता था। उसकी संसार विजयी शक्ति के सामने ये दुधुआ बालक मानो अपने नन्हे नन्हे हाथों से समुद्र के प्रवाह को रोकने को खड़ा। कितना हास्पद साहस था, पर उसके साथ ही कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ। तैमूर को ऐसा जान पड़ा कि निहत्थे बालक के सामने वह कितना निर्बल है। मनुष्य में ऐसे साहस का सिर्फ एक ही स्रोत हो सकता है और वह है सत्य पर अटल विश्वास। उसकी आत्मा दौड़ और युवक के दामन में चिपट जाने के लिए अधीर हो गई। वो दार्शनिक न था जो सत्य में शंका करता है, वो सरल सैनिक था जो असत्य को भी अपने विश्वास से सत्य बना देता। जहां बना इसकी बदजबानी का ख्याल ना फरमाए। ऐसे गुस्ताखियों और बदजबानियों के सुनने का पहले इत्तफाक होता तो आज इतने बेगुनाहों का खून मेरी गर्दन पर ना हो। मुझे इस जवान में किसी फरिश्ते की रूह का जलवा नजर आ रहा है, जो मुझ जैसे गुमराहों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए भेजे गए। मेरे दोस्त, तुम खुश नहीं हो कि तुम ऐसे फरिश्ता सिफत बेटे के बाप?
क्या मैं इसका नाम पूछ सकता हूं? उसे हबीब कहते हैं। मेरे जवान दोस्त, तुम सचमुच खुदा के हबीब। मैं वो गुनहगार हूं जिसने हमेशा अपने जहालत में अपने गुनाह को सबाब समझा, इसलिए कि लोग मुझसे कहते थे कि तेरी जात बेअहम है। मुझे मालूम हो गया है कि मेरे हाथों इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचा। आज से मैं तुम्हारा दामन पकड़ता हूं, तुम्हें मेरे यानी मार्गदर्शक, तुम्हें मेरे रहनुमा। मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे ही वसीले से मैं खुदा के दरबार तक पहुंच सकता। ये तो हुजूर की कदरदानी, वरना मेरी क्या हस्ती। सारे तुर्क कैदियों को छोड़ दिया जाए और उनके हथियार भी वापस कर दिए जाए, और जो जो सामान लूटा गया है वो बराबर बराबर सैनिकों में बांट दें। जो आप लोग चलिए, आप लोग मैं नदी खेमों में पहुंचे। और सुनिए, बावर्ची से कहिएगा लजीज और जायकेदार खाना बनाए, हम लोग साथ में खाना खाएं। जो हुकुम अलीगा। वजीर तैमूर के खेमे में तरह तरह के लजीज खाने का इंतजाम करने में मशगूल हो गया। कुछ ही देर में अख्तर खान पिछ गया। तैमूर हबीब का हाथ पकड़े हुए अपने खेमे में ले गया, साथ ही अज़दानी को भी अपने साथ कंधे पर हाथ रखकर ले जाता है। दोनों ने पेट भरकर खाना खाया और हंसते हुए आते हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद तैमूर ने अपने जीवन की सारी कथा रो रो कर सुनाई। मैं खुदा का गुनहगार बंदा, मेरी जिंदगी हैवानियत बर्बरता की एक दास्तान। गरीबों और मोहताजों बेबसों पर जुल्म मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, और जहां मुझे ये सब दिखा वहां मैंने कत्लेआम शुरू कर दिया। बस इनकी आजादी में इस्लाम का नाम डूबने के डर से मैंने ऐसी हुकूमतों को मौत की नींद सुला दी। मैं समझता रहा मैं खुदा के हुक्म का पालन कर रहा, मैं बेरहम नहीं जालिम नहीं हूं, लेकिन कुफ्र की सजा मेरे ईमान में मौत की सुबह कुछ भी नहीं। मेरे ये हाथ खून से भरे हुए, और कोई दूसरा रास्ता मुझे ना सूझा। उन लाखों लोगों का खून आज मेरी गर्दन पर है। मैं खुदा का गुनहगार बंदा, मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? खुदा मुझे माफ कर, मैं तुझ गुनहगार तुझसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर, इस गुनहगार को बख्श दे। खुदा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। इधर से इनकार होता रहा, उधर से तैमूर आग्रह करता रहा।
सर ये दानी इनकार तो कर रहे थे पर छाती फूली जा रही। मूसा आग लेने गए थे पैगंबरी मिल गए। कहां मौत के मुंह में जा रहे थे वजारत मिल गई। लेकिन यह शंका भी थी कि ऐसे अस्थिचित आदमी का क्या ठिकाना। आज खुश हुए वजारत देने को तैयार कर नाराज हो गए तो जानकी खैरियत। उन्हें हबीब की लियाकत पर भरोसा तो था पर ये तो डरते थे कि बिराने देश में ना जाने कैसी पड़े और कैसी ना पड़े। और फिर दरबार में सियासत और षड्यंत्र तो होते ही रहते हैं और फिर वो तजुर्बा वो कहाँ से लाएगा जो उम्र के साथ ही आता है। हुजूर हबीब की वजारत के लिए कुछ सोचने का वक्त दीजिए। वक्त इसमें सोचने की क्या बात है। मेरी बात तो बस बस एक दिन की मोहलत मांगता हूं। ठीक मुझे यकीन है कि हबीब वजारत यानी मंत्री पद कबूल करेंगे। वैसे जो खुदा की मर्जी। जी हाँ खुदा की मर्जी। हुजूर अब रुख्सत होने की इजाजत चाहता हूं। शिकार खेलने जाती
इसके साथ ही वो दर्शन काव्य विज्ञान और अध्यात्म को भी अभ्यास करती थी। यहाँ तक कि 16वें वर्ष में वो फौजी विद्यालय में दाखिल हो गई और 2 साल के अंदर वहाँ की सबसे ऊंची परीक्षा पास करके फौज में नौकर हो गई। शस्त्र विद्या और सेना संचालन कला में वह इतनी निपुण थी और खलीफा बायजीद उसकी चरित्र से इतना प्रसन्न था कि पहले ही पहल उसे 1,000 मनसब मिल गया। ऐसे युवती के चाहने वालों की क्या कमी। उसके साथ के कितने ही अफसर, राज परिवार के कितने ही युवक उस पर प्रहार देते थे, पर कोई भी उसकी नजरों में न जचता था। हर रोज निकाह के पैगाम आते रहते थे पर वो हमेशा इनकार कर देती। वैवाहिक जीवन से ही उसे अरुचि थी, उसकी स्वाधीन प्रकृति इस बंधन में न पड़ना चाहती थी। फिर आए दिन वो देखती थी कि जवान लड़कियां कितने अरमानों से ब्याह कर लाई जाती हैं और फिर कितने निरादर से महलों में बंद कर दी जाती हैं। उनका भाग्य पुरुषों की दया के अधीन हो जाता है। अक्सर ऊंचे घराने की महिला से उसको मिलने जुलने का अवसर मिला था। उनके मुख से उनकी करुण कथा सुन सुनकर वो वैवाहिक पराधीनता से और भी नफरत करने लगी। उसका बाप यजदानी उसकी आजादी में बिल्कुल दखल नहीं देता था। लड़की आजाद है, उसकी इच्छा हो तो शादी करे या कुंवारी रहे, वो अपने आप मुख्तार है। उसके पास पैगाम आते तो वो साफ जवाब दे देता, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, इसका फैसला मेरी बेटी ही करेगी। जबकि एक जवान लड़की का लड़कों के वेश में रहना, जवान लड़कों से मिलना जुलना समाज में आलोचना का विषय था। पर यजदानी और उसकी बीवी दोनों को अपनी बेटी पर हर तरीके से एतबार था। हबीब के व्यवहार और आचरण में उसे ऐसी कोई बात नजर न आती जिससे उन्हें किसी प्रकार की शंका होती। युवन की आंधी और लालसाओं के तूफान में भी वो 24 वर्ष की वीर बाला अपने हृदय की संपत्ति के लिए अटल और अजय खड़ी। एक पिता अपनी औलाद को खुश देखना चाहता है। क्या परिस्थितियां होंगी मैं नहीं जानता, लेकिन यहां जो कुछ भी टिकायत होंगी वो तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। यहां मैं मौजूद था और कुत्सा को मुंह नहीं खोलने देता, वहां तुम अकेली रहोगी और कुत्सा को मनमाने आरोप करने का अवसर मिलता रहेगा। मैंने सुना है तैमूर निगाहों का अच्छा आदमी नहीं है। बेटी मैं तुझे किसी तरह वहां ना जाने दूंगी, कोई बात हो जाए सारी दुनिया हंसे, ठीक है मैं इनकार की सूचना दे दूंगा। लेकिन अब तैमूर से क्या कहेंगे? यही जो अभी यहाँ पर हम लोगों के बीच तय हुआ। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने तो समझा तुम भी हमसे सहमत हो। आप उनसे जाकर कह दीजिए मैं मंत्री पद स्वीकार करती हूँ। ये क्या गजब पति है बेटी, सोच तो दुनिया क्या कहेगी। हाँ हाँ बेटी, दुनिया क्या कहेगी। अम्मी जान, मैं आपके हुकुम से जॉब करती हूँ नहीं,
जाने दें या ना जाने दें, लेकिन मुल्क की खिदमत का ऐसा मौका जिंदगी में मुझे शायद फिर ना मिले। इस मौके को हाथ से खोने का मुझे अनुभव रहेगा। मुझे पूरा यकीन मैं अमीर तैमूर को अपनी दयानत, बेगर्जी और सच्ची वफादारी से इंसान बना सकूं, और शायद उसके हाथों खुदा के बंदों का खून इतनी कसरत से ना बढ़े। वो दिलेर है मगर बेरहम नहीं। कोई दिलेर आदमी बेरहम नहीं हो सकता। आज खुदा ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं उसे दिखा सकूं मजहब खिदमत का नाम लूट और कत्ल का नहीं। अपने बारे में मुझे रत्ती भर भी अंदेशा नहीं। मैं अपनी हिफाजत आप कर सकता हूँ, और मान लीजिए मुझे नाकामी भी, तो क्या सच्चाई और हक के लिए कुर्बान हो जाना जिंदगी की सबसे शानदार फतह नहीं है? अब तक तूने जिस उसूल पर जितनी बसर की है उसने कभी तुझे धोखा नहीं दिया है। आज उसी के फैज से तुझे ये वजारत प्राप्त हुई है। अगर तैमूर पर मेरी हकीकत खुल भी जाए तो क्या खाऊं? मेरी तलवार मेरी हिफाजत कर सकती है, और शादी पर मेरे ख्यालात तो आपको मालूम ही है। अगर मुझे कोई ऐसा आदमी मिला जिसे मेरी रूह कबूल करती, जिसकी जात अपनी हस्ती को खोकर मैं अपनी रूह को ऊंचा उठा, तो उसके कदमों में गिरकर मैं खुद को उसकी नजर कर दूंगी। बेटी जा। लेकिन बेटी मैं उन महलों में रहने तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। करीब महीने गुजर गए। युवा खबीर तैमूर का वजीर है, लेकिन वास्तव में वही बादशाह है। तैमूर उसी की आंखों से देखता है, उसी के कानों से सुनता है, और उसी की अक्ल से सोचता है। वो चाहता है खबीर आठों पहर उसके पास ही रहे। उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। समरकंद में एक प्राणी भी ऐसा नहीं जो उससे जलता हो। उसके बर्ताव ने सभी को मुग्ध कर लिया था, क्योंकि वो इस इंसाफ से जौभर भी कदम नहीं हटाता था। जो लोग उसके हाथों चलती हुई न्याय की चक्की में पिस जाते थे वे भी उससे सद्भाव रखते थे, क्योंकि वो न्याय को जरूरत से ज्यादा कटु नहीं होने देता था। संध्या हो गई थी, राज्य कर्मचारी जा चुके थे। चमादान में मोम की बत्तियां जल रही थी। अन्य मंत्रियों की भांति वो तैमूर की सोबत का भूखा नहीं है। वो हमेशा तैमूर से दूर रहने की चेष्टा करता है। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि उसने शाही दस्तरखान पर भोजन किया हो। तैमूर की मजलिसों में भी वो शरीक नहीं होता था। जब उसे शांति मिलती थी तब वो एकांत में अपनी माता के पास बैठ कर दिन भर का माजरा उससे कहता और उस पर अपनी पसंद की मोहर लगा लेता था। ताजुब होता है हबीब कि तुम इस जवानी में कुमारों की सी जिंदगी कैसे बसर करते हो। खुदा ने तुम्हें वो हुस्न दिया है जो हसीन से हसीन नाज़नीन भी तुम्हारी माशूक बनकर खुद को खुशनसीब समझेगी। मालूम है तुम्हें, खबर है या नहीं, जब तुम मुंशी घोड़े पर सवार होकर निकलते हो तो समरकंद पर बैठी हजारों निगाहें तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मुंतजर बैठी रहती, और तुमने उनकी तरफ एक झलक तक नहीं देखा। मेरा खुदा गवाह है, मैं चाहता हूं तुम्हारे कदमों के नक्शे पर चलूं, पर दुनिया मेरी गर्दन नहीं छोड़ती। क्यों तुम अपने पास जिंदगी का जादू मुझ पर नहीं डालते? मैं चाहता हूं जैसे तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहते हो,
वैसे ही मैं भी रहूं, लेकिन मेरे पास ना वो दिल है और ना वो दिमाग। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या जवाब। मैं हमेशा अपने आप पर, पूरी दुनिया पर दांत पीसता रहता हूं, जैसे हर दम मुझे खून की प्यास लगी, और जिसे तो मुझने भी नहीं देते। और ये सब जानते हुए भी जो कुछ भी तुम करते हो, तुमसे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकता। मेरा तो दिल क्या कहूं? और मैं जिधर भी निकलता हूं, वहां नफरत और कुभाव फैलाता हुआ निकलता हूं। जिसे मेरा दोस्त होना चाहिए, वो भी मेरा दुश्मन। मैंने दुनिया में लूट और कत्ल के सिवा और क्या यादगार छोड़ी? मेरे मर जाने पर दुनिया मेरे नाम पर रोएगी नहीं। यकीन मानो, मेरे जैसे लुटेरे हमेशा पैदा होते रहेंगे, लेकिन खुदा ना करे अगर तुम्हारे दुश्मनों को कुछ हो गया तो ये सल्तनत खाक में मिल जाएगी, और तब मुझे भी अपने सीने में खंजर छुपा लेने के बाद और कोई दूसरा रास्ता ना रहेगा। मैं आज तुम्हारे सामने यही दरख्वास्त लेकर आया हूं कि तुम मुझे वो रास्ता दिखाओ जिससे मैं सच्ची खुशी पा सकूं। मैं चाहता हूं तुम इसी राजमहल में रहो ताकि मैं तुमसे सच्ची जिंदगी का सबक सीख पाऊं। अब अलग तैमूर पर मेरी लड़की होने का रास्ता नहीं खुलेगा। तैमूर की उस कठोर विकृत हिंसात्मक मुद्रा में उसे एक स्निग्ध मधुर ज्योति दिखाई दी, मानो उसका विवेक भीतर से झांक रहा हो। उसे अपना स्थिर जीवन, जिसमें ऊपर उठने की स्मृति ना रही हो, इस विफल उद्योग के सामने तुच्छ जान पड़ा। आप इस गुलाम की इतनी फिक्र करते हैं? ये तो मेरी खुशनसीबी है, लेकिन मेरा महल में रहना मुनासिब नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ दौलत ज्यादा होती है वहाँ डाके पड़ते हैं, और जहाँ फिक्र ज्यादा होती है वहाँ दुश्मन भी ज्यादा होते हैं। तुम्हारा भी दुश्मन कोई हो सकता है क्या? मैं खुद अपना दुश्मन हो जाऊंगा। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुरु है। गुरूर। गुरूर। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गुरूर। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गुरूर। हबीब, तो मेरे काबू में कभी नहीं आ सकते। तुम वो परिंदा हो जो हमेशा आसमान में उड़ता रहता है, उसे अगर सोने के पिंजरे में भी कैद कर लो तो फड़फड़ाता रहेगा। है खुदा तुरंत तुरंत अपने महल की ओर चला जाता है, मानो उस रत्न को सुरक्षित स्थान में रख देना चाहता हो। यह बात आज पहली बार उसने सुना था, पर आज ये जो ज्ञान, जो आदेश, जो प्रेरणा उसे मिली वो कभी ना मिली। मेरे नाम पर रोएगी नहीं। हो सकता है, हो सकता है।
अगर तुम समझते हो ये ताज और इंदक मेरे रास्ते के रोड़े हैं तो खुदा की कसम मैं आज इन पर लात मारता हूँ। ऐसा मत कहिए, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? वो भी गुलाम के रहते हुए आज मैं तुमसे ये तजवीज करता हूँ कि तुम इस बादशाह के अमीन मेरी जिंदगी में हो और मेरे मरने के बाद जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन समय समय पर कासे तो भेजते रहना वरना शायद मैं बेचारा होकर चला। तैमूर ने कितनी मुहब्बत से हबीब के सफर की तैयारियां की, तरह तरह के आराम और तकल्लुफ की चीजें उसके साथ भेजी। उस कोहिस्तान में ये चीजें उसे कहाँ मिलेंगी? वो ऐसा संलग्न था मानो माता अपनी लड़की को ससुराल भेज रही हो। जिस वक्त हबीब फौज के साथ चला तो सारा समर्पण उसके साथ था और तैमूर आंखों पर रुमाल रखे अपने तख्त पर ऐसे सर झुकाए बैठा था मानो कोई पक्षी आहत हो गया हो। जिस इजलास को तैमूर ने खुद अपने खून से सींचा
आज उसी सलाम की चढ़े धूनी के वजीर। हमीद पाशा के हाथों कूद रही है, हम जल्दिया माफ नहीं होने देंगे। शराब पर पाबंदी रहनी चाहिए, हम ये कुफ्र नहीं होने देंगे। हम मर जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। पासा पलट गया, शाही फौजी मुसलमानों से जा मिली। हबीब ने इस सफर के किले में पनाह ली। मुसलमानों की ताकत शाही फौज के मिल जाने से बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने किले को घेर लिया और ये समझकर कि हबीब ने तैमूर से बगावत की है, तैमूर के पास इसकी सूचना भेजने और परिस्थिति को समझने के लिए आसिफ भेजा। बेशक जजिया माफ होना चाहिए,
अगर मस्जिद में अजान होती है तो गिरजों में घंटे क्यों ना बजे? ये कुफ्र नहीं, कुफ्र वो है जो दूसरों का हक छीने, गरीबों को सताए, खुद कर दो दगाबाज हो। काफिर वो नहीं जो मिट्टी या पत्थरों में खुदा का नूर देखता है। हम सब खुदा के बंदे हैं, हम सब। जा जाके कह दो बाकी मुसलमानों से कि अगर फौरन घेरा ना उठा लिया गया तो तैमूर कयामत की तरह पहुंचेगा। कासिम अद्भुत सा खड़ा ही था कि बाहर खतरे को बिल्कुल बज था और फौजी किसी समर यात्रा की तैयारी करने लगे। तीसरे दिन तैमूर इस तखर पहुंचा तो किले का मुहासरा उठ चुका था। किलों की तोपों ने उसका स्वागत किया। हबीब समझा तैमूर ईसाइयों को सजा देने आ रहा है। ईसाइयों के हाथ पांव फूल गए थे मगर हबीब मुकाबले के लिए तैयार था। ईसाइयों की सख्त की रक्षा में उसकी जान भी चली जाए तो कोई दुख नहीं। इस मामले में किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता। तैमूर अगर तलवार से काम लेना चाहता है तो उसका जवाब तलवार से दिया जाएगा। ये क्या शाही फौज को सफेद झंडे दिखा रही है? तैमूर लड़ने नहीं सुलह के लिए आया। सुलह के लिए आया? आंखों में जो नशा, आंखों में जो चंचलता है,
वो तो और कभी नजर ही ना आई थी। वो कई बार तैमूर से शोकियां कर चुका है, कई बार हंसी कर चुका है। उसकी युवती चेतना पद और अधिकार को भूल कर चहकती फिरती है। हबीब, आज तक मैंने तुम्हारी हर एक बात मानी। मैं आज तुमसे ये तजवीज़ करता हूँ कि मैं जो भी जिक्र करूँ तो मैं उसे कबूल करता हूँ। पहले वादा करो कि तुम उसे कबूल करोगे। मैं तो आपका गुलाम। नहीं मेरे दोस्त, तुम तो मेरे मालिक, मेरी जिंदगी की रोशनी हो। आज तक मैंने तुमसे कितना फैस पाया, मैं अब चाहता हूँ कि तुम इस बादशाह के अमीर हो जाओ, मेरी जिंदगी में भी और मेरे मरने के बाद। इतना बड़ा हूँ, मेरी कंधे इतनी मजबूत नहीं है। नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें ये इंतजार तो मेरी माननी ही पड़ेगी। मंजूर है। खुदा तुम्हें सलामत। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि हबीब एक कच्ची उम्र की कवारी बालिका है तो मेरी बादशाहत के साथ मेरे दिल की वीरानी हो जाएगी। आपको बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ? मुझे तो पता था। कब से? जब तुमने मुझे पहली बार अपनी इन जालिम आंखों से मुझे देखा। आपने खूब छिपाया। तुम्हें ये तो सिखाया और शायद मेरे अलावा यहाँ पे किसी और को ये बात मालूम नहीं। आपको कैसे पता चला? ये ना बताऊंगा, ये ना बताऊंगा। यही अभी बेगम हमीदा के नाम से मशहूर है। आपने देखा कि उमर हबीब ने तैमूर जैसे जालिम बादशाह के दिल पे कहते रखे। लेकिन इसके साथ में एक वाकया और भी है जो पूरा दिखाने में शायद बहुत वक्त लग जाता। एक वाकया यह है कि तैमूर ने जब जंग की तो बहुत ज़्यादा एक तकरीबन 1,00,000 लोगों की खोपियाँ बता दी इकट्ठा करके कमाए बताया और उसमें बहुत सारे कवि किया। तैमूर ने उन कवि में से एक कवि का नाम था अहमद गानी। तो उनसे पूछा कि सुना है कि कवि बहुत पारखी होते हैं, अब बताइए कि इनमें किसकी कीमत कितनी है। तो उस कवि ने जवाब दिया कि इसमें से कोई भी किसी की भी कीमत 5,000 से कम नहीं, 5,000 अशर्फियों से कम नहीं। तैमूर को बड़ा हैरत हुई, पूछा कि अच्छा बताइए मेरी कीमत क्या है। तो उस कवि ने जवाब दिया कि 2,500। वो बहुत गुस्से में आ गया, जलाली सुथाई, तो कहा ये कैसे 2,500 अशर्फियों में तो मेरी सदरी नहीं बनती। तो कहा ये भी कीमत जो मैंने बताई है वो आपके सदरी की कीमत है, वरना आपकी कीमत तो 4 कौड़ी की थी। तैमूर को बहुत तैश आया, कहा वो कैसे? कहा कि जो इंसान कवि ने जवाब दिया कि जो इंसान ताकतवर होते हुए दूसरे की हिफाजत न कर सके, दूसरे की इज्जत न बचा सके, अपनी आराम व आसाइश के लिए दूसरों के जान माल की छीनता रहे, उसकी कीमत मेरी नज़र में 4 कौड़ी से भी ज़्यादा है। खैर ये तो एक वाक्य था। आपका समय आ गया है पात्र परिचय कराने का।
श्री रहमान का योग क्या है इनको मोहम्मद फुदैल ने। इसमें अमीर तैमूर जो बने हैं, एक चीज और भी क्लियर कर दूं, इनका पूरा नाम शुजाउद्दीन तैमूर था, आमिर इनका लकब था, यानी कि नाम ही क्या बोला। ये है जय गुप्ता। जो युवक के भेष में कन्या युवती वह उमदुल हबीब जो बनी है ज्योति थी। यजगानी हिमेश कश्यप। मंत्री और कोरस में है अनुपम श्रीवास्तव, अर्जुन ठाकुर, अजय राज, साधना पांडे, दानिश अली अंसारी, सेनापति सुनील चौधरी, कबड्डी में नील कुमार गुप्ता, राज्य मंत्री है नितिन शर्मा, चौकदार है संकल्प शुक्ला, मुस्लिम निखिल कुमार दानिश अली अंसारी, ईसाई में है आयुष कोनकर, अजय अवस्थी, सुनील चौधरी, राज यादव। युवक की माँ यानी जो युवती की माँ बनी है ये है अर्चना जैन। कलाकार ये तो आपके मंच पर थे, मंच के परे भी बहुत कलाकार होते हैं जिसमें मेकअप मैन हुए, लाइट मैन हुए, म्यूजिशियन हुए, कास्टिंग हुए। इसमें मेकअप किया है विजय जी, लाइट है श्री तमाल गोल जी का, म्यूजिक है सुशील कुमार जी का, कबीर खान, दानिश अली अंसारी, लेखक जैसा आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं, सह निर्देशन मोहम्मद फुदैल जी का है, विशेष आभार नाट्य रूपांतर परिकल्पना निर्देशन रहमान खान जी का है, विशेष आभार आजाद थिएटर लखनऊ और साथ में शाह अब्दुल हई संचालक न्यू एज मॉन्टेसरी स्कूल मीडिया पत्रकार बंधु। क्या देना चाहिए, क्या दे रहे हैं।